द्विवेदी जी बहुत कह रहे हैं कि और बहुत सारी बातें रेखांकित कीजिएगा धोखे से। तो हम एपीपी गंगा को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि बुंदेलखंड में उन्होंने अपना यह अभियान शुरू किया, और एक निवेदन के साथ कि वैसे तो चूंकि जनता ने जिताया और कैसे जिताया ये तो कभी कभी निकल ही जाता है कि धोखे में, तो द्विवेदी जी का अर्थ आप खुद ही समझ गए होंगे। लेकिन हमारा ये है कि अगर इनकी बहुत अच्छी नीतियां थीं तो आज़ादी के तो 70 साल हुए हैं, तब दो दो एमपी इनके जीते, तब इनकी नीतियां अच्छी नहीं थी क्या? और तब ये जब दूसरी गवर्नमेंट दूसरे लोग जीता करते थे तब ये भी एवीएम को रोते थे, और अब अगर कोई एवीएम कहता है तो ये कहते एवीएम को रो रहे हैं। तो ये तो समय का खेल है, समय इनका हम अच्छा मानते हैं। तो भाई ये विजय श्री पा रहे हैं ठीक है, जनता अगर इन्हें स्वीकार कर रही है तो अरे तो काम भी तो बेहतर कर रहे हैं, कानून व्यवस्था बुलडोजर मामले में, जहां तक स्वास्थ्य शिक्षा और सुरक्षा तीन चीजें तो यहां राजा महाराजाओं ने दी हैं जब वो राजा राज करते थे। आप इन तीनों को ही देख लें, स्वास्थ्य को देख लें, बुंदेलखंड का आप डाटा मंगा लें, क्योंकि आपको जल्दी मिल जाएगा, हमें तो नहीं मिलेगा, सरकारी लोग डरते हैं कि विपक्ष को दे देंगे तो ये बताएंगे। स्वास्थ्य के मामले में जितने डॉक्टर हर जिले में होना चाहिए, जितने टेक्नीशियन हर जिले में होना चाहिए, जितने वार्ड बॉय और जो सिस्टर हैं वो होना चाहिए, आप 50% से ज्यादा हो तो पूछ लें। तो कहां से स्वास्थ्य अच्छा होगा? जितनी स्ट्रेंथ है नौकरी की, वैसे तो इनके यहां बेरोजगारी कितनी बढ़ी है ये आप खुद ही समझ रहे होंगे। और हमारा बुंदेलखंड तो इसलिए समझता है कि हमारे यहां से तो हमें नहीं लगता कि कोई भर्ती हो रही हो, कोई भर्ती अभी हो रही हो। हाँ आता है, एडवर्टीजमेंट होती है, लेकिन भर्ती के नाम पे तो इनके यहां कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। अभी हमने विद्युत में प्राकलन समिति में क्वेश्चन किया सरकार से कि बताइए कितने लाइनमैन हैं आपके यहां। भाई लाइनमैन ही तो विद्युत को ठीक करते हैं, कितने हैं? तो उन्होंने कहा साहब अब तो हमने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रख लिए, अब हमारे एक भी नहीं है कर्मचारी। तो हमने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कर्मचारी पे आपका क्या अधिकार है? जब उसको कुल 6,000 रुपया मिलना है तो वो क्या काम करेगा, और करेगा भी तो कैसा काम करेगा ये पता है जनता को। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।